देखिए सारा ऑयल निकल गया है इससे, ये देखिए वाह। तो गाइस हो चुका है पॉर्क फ्राई, वाह फ्राई पॉक की रेसिपी होगी आज। चलिए रेसिपी स्टार्ट। गरम होके इसका फैट निकल जाएगा। आज आई यूज पीसेस, ये देखिए सारा ऑयल निकल गया है इससे। तो ऑयल निकलने के बाद कुछ इस तरीके से होते हैं पीस। तो गाइस हो चुका है पॉर्क फ्राई, फैट निकल चुका है इन पीसेस से। ये अलग से हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, वो वाला ऑयल हमने फेंक लिया है, ठीक है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें खड़े मसाले ऐड करते हैं। मेथी, किचन किंग, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखा अपने हिसाब से करें, मुझे थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं तीखा ज़्यादा डाल रहा हूँ। थोड़ा चिकन मसाला, गरम मसाला थोड़ा, ये देखिए वाह, अभी से खाने का मन कर रहा है। थोड़ा इसमें करेंगे पानी ऐड। चलिए अब इस पर मरवाते हैं एक सीटी, डन। तो गाइस रेसिपी आपने देख ली होगी पूरी, इसी तरीके से डिटो रेसिपी फॉलो करना। सो हेलो हंगरी आर्मी, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। ट्राई टू ईट वेरी स्पाइसी पॉर्क फ्राई करी, पॉर्क क्रिस्प मीट फ्राई, व्हाइट राइस, एक्स्ट्रा ग्रेवी, कोक विद सैलेड। सो गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड आई हेल्प यू इंक्रीज योर एपेटाइट, सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। और यहाँ पे है गार्लिक, रॉ गार्लिक, डाइजेशन के लिए सही होता है पॉर्क के साथ या फिर किसी भी मीट के साथ। देखो पॉर्क से इतना ऑयल निकालने के बाद, रेसिपी आपने देख ली होगी, इतना फ्राई करने के बाद भी इतना ऑयल तब भी रहता है। ये देख लो कितनी ऑयली ग्रेवी है। तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो पॉर्क है ना, एक बार उसको उसका फैट जो है फ्राई करके निकाल दें, उसके बाद हल्का सा ऑयल डाल के ग्रेवी बनाएं, तब भी इतना ऑयल रह जाता है यार। स्टार्ट। पॉर्क से स्टार्ट करते हैं।
वाह लाजवाब। वाओ वो रेड वाला हिस्सा बहुत क्रिस्पी और था। ऑसम वाह
Thank you.